मिनट का चेकलिस्ट क्या है, ठीक है। इसमें सब पॉइंट दिया हुआ है कि क्या क्या हम लोग को मूवमेंट में चेक करना है, ठीक है। जब भी हम यहाँ काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सुपरवाइजर या सेफ्टी वाला या बूम वाला ही चेक करेगा, ये तुम लोग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सब लाइन से पॉइंट बताऊंगा क्या क्या चेक करना है, इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर थोड़ा सब लोग इधर देखो, इधर घूम जाते लाइन लगा दो, सीधा बड़ा वाला लाइन करो। सबसे पहला चेक करना है हम लोग को टायर कंडीशन, ठीक है। टायर का कैसा कंडीशन है इसको हम लोग को चेक करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका जो बोल्टिंग है अंदर का, वो बोल्टिंग पूरा लगा हुआ रहना चाहिए और पूरा टाइट चाहिए, समझ गए। क्या क्या चेक करना है, टायर कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, फटा हुआ नहीं रहना चाहिए और इसका बोल्टिंग, ठीक है। इधर आ घूम जाओ वापस, ये हमको चेक करना है बकेट की कंडीशन, ठीक है। बकेट में डबल रेलिंग रहना चाहिए, हाँ। और ये टो गार्ड मतलब यहाँ से मटेरियल कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए इसको बोलते हैं टो गार्ड, ठीक है। ये दो रेलिंग हो गया, हाँ। उसके बाद चेक करना है इसका डोर सेल्फ लॉक रहना चाहिए, मतलब छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका, ये बेस नीचे का बेस रस्टी मतलब जंग लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, पानी की वजह से खराब हो जाता है, जाली पट्टी है ना, ये सब नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लीन और एकदम परफेक्ट कंडीशन में नीचे की जाली रहना चाहिए, ठीक है। ये SWL लिखा हुआ है, इधर देखो, ये 227 किलो इसका कैपेसिटी है, कितना 227, मतलब दो आदमी और एक छोटा मोटा मटेरियल, जैसे मशीन अपना हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग को मटेरियल उसमें कैरी नहीं करना है, अगर उससे ज्यादा आता है मटेरियल तो यहाँ पे दिखाएगा, ये लोड इंडिकेटर है, क्या है लोड इंडिकेटर, तुम अगला इसमें ज्यादा अगर 227 किलो से ज्यादा अगर वजन डालेंगे तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा और वहां पे ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ये ऊपर का दिखाओ, ये ऊपर के जितने बटन है ऑपरेटिंग बटन, ये सब अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए, ठीक है। और नीचे जो पैडल दिया हुआ है वो पैडल को प्रेस करने के बाद ही वो ऑपरेट होना चाहिए, बिना पैर रखे अगर वो ऑपरेट होता है तो उसको फॉल्टी माना जाएगा, ठीक है, उसको रिपेयर करके लेना होगा। उसके बाद हर बूम में एक फायर एक्सटिंग्विशर रहता है ना, क्यों रहता है, अगर MNC पैनल में आग लग गया या आप ऊपर काम कर रहे हो तब आग लग गया तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जब भी अगर फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे यहाँ पे तो उसको पहले चेक करना है, प्रेशर सही है नहीं है, उसका होस पाइप ठीक है, ठीक है। हम लोग को लास्ट ट्रेनिंग में आपको बताया था मैं कैसे चेक करना है उसको, ठीक है। इधर आ, उधर से आ। ये पूरा हाइड्रोलिक पाइप से, समझ रहे, ये पूरा बूम ऑपरेट जो होता है वो पूरा हाइड्रोलिक पे होता है ना, बराबर ना धरवन, ये सब हाइड्रोलिक पाइप चेक करना है हमको, कहीं से कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसके जो कनेक्टिंग है सब वो एकदम टाइट रहना चाहिए, कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा हाइड्रोलिक ट्रे है, ये हमारा ऑपरेटिंग पैनल है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन एजेस दिखे हुए हैं, ये कौन सा गाड़ी कहाँ घुमाना है, कौन से बटन दबाने के बाद कहाँ घूमेगा गाड़ी, ये पूरा अच्छे से क्लियरली मेंशन होना चाहिए, समझे। अगर ये मिटा हुआ है तो उसको अलग से एक स्टिकर बना के उसको लगाना है, ताकि हमको समझ में आए कि कौन सा बटन दबाने से गाड़ी कहाँ जाने वाली है, ठीक है। समझ गए सब लोग, ठीक है। हम लोग जब भी ऊपर जब भी हम लोग बूम में जाते हैं, ऊपर बूम में जब काम करने के लिए ऊपर जाते हैं तो हमेशा नीचे बैठ के जाना है, मैंने कम से कम 10 बार बताया आपको कि बैठ के क्यों जाना है बैठ के, अगर आपको झटका लगेगा तो आप बकेट के बाहर नहीं आएंगे, समझे। और कभी भी हम लोग जब बूम में काम करने वाले हैं, ये मशीन है इसका कुछ गारंटी नहीं है, है ना,
जब सबसे पहले आएंगे तो ऑपरेटर को पूछना है कि आपने मशीन को सुबह सुबह चला के चेक किया है कि नहीं किया, ठीक है? समझ गए सब लोग क्या क्या पॉइंट चेक कर रहे, समझ गए? अब आपको बताता हूँ कि कैसा गाड़ी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? इस पे जूम करो, ये टायर देखो, इसका इसका कंडीशन देखो, और जो हमने पहले जो दिखाया उसका कंडीशन देखो, एकदम फटा हुआ है, कटा हुआ है, ऐसा टायर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है? ये देखो, आप देख सकते हो ऑयल, जो ऑयल गिरा हुआ है, ये ऑयल भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसके कहीं तो कहीं पे लीकेज है, या फिर इसका कोई भी कोई तो एक पाइप डैमेज है, ठीक है? आपको कई बार ऐसा ऑयल दिखता है तो ऑपरेटर को बोलना है कि पाइप चेक कर लो, उसके बाद ही गाड़ी यूज करो। इंजन घने कमी है। ठीक है, वो था सेल्फ, वो गेट वाला, ये था बकेट था, और ये ऐसे वाला गेट, ठीक है? ये भी चलेगा, इसका भी बकेट वगैरह सब चेक करके उसके बाद ही यूज करना, ठीक है? समझ गए सब लोग ना? ठीक है, चलो थैंक यू। तो दोस्तों, ये ऊपर वाला जो लाइट दिख रहा है वो सिग्नल लाइट है, ठीक है? जब गाड़ी ऑपरेट होता रहेगा तब वो सिग्नल लाइट जलेगा, हाँ, कि बाकी को सबको बाकी लोगों को समझेगा कि ये गाड़ी ऑपरेट मतलब चालू कंडीशन में है, ठीक है? और ये इमरजेंसी स्विच है, इसको हम दबाएंगे तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगा, ऐसा इमरजेंसी स्विच ऊपर भी रहता है, बराबर? और इमरजेंसी अगर लेना है किसी को, अगर गाड़ी अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है ऊपर, तो कैसे लेते हैं? कौन सा इमरजेंसी? इसमें स्टॉपर ऑन करेंगे, हाँ, और उसके बाद इसको हम नीचे दबाएंगे, ओके, और अपना बटन ऑपरेट करेंगे, ठीक है? समझ गए सब लोग? तो ये हमारे बूम के ऑपरेटर हैं, तो ये आपको बताएंगे कि सिग्नल कैसे देना है ऊपर बकेट से, ठीक है? बकेट में हम लोग जो ऊपर काम कर रहे हैं तो कैसे सिग्नल देना है, और कैसे ऑपरेटर को बताना है कि कहाँ गाड़ी लेना है, ठीक है? बताइए, बताना कहाँ है? अब हम लोग हाइट पे काम करते वक्त अगर हमको बूम निकालना है तो वहाँ हाथ ऐसे कीजिए, यानी कि बूम बाहर हो रहा है। अगर बूम बाहर निकालना है या आगे पीछे लेना है बूम, तो ऐसे करना है। और आप बूम अंदर कर रहे हैं तो ऐसे करना है, ठीक है? और आपको डाउन आप चाहिए तो फिर ये अंगूठा से इससे करो, नीचे अगर करना है तो आप चाहिए तो ऐसे करो, और दाएं बाएं स्विंग मांगना है आपको इधर उधर, हाथ से भी ऐसे कर सकते हो, इधर करो उधर करो, लेकिन सिग्नल बराबर देने का भाई, सिग्नल के लिए बहुत रो रहे हैं हम। गलत सिग्नल देंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है? कहीं भी जाके ठोक सकता है, वैसे ऐसे 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 इधर हाइट के काम में दिक्कत हो जाता है सबको। सिग्नल जो हिसाब से देना है वो हिसाब से सिग्नल देना, ठीक है? समझ गए? समझ गए, वेरी गुड।